नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना ही मेरी नेक में पेन है और ना ही मुझे किसी तरह का नेक में डिस्कम्फर्ट है। लेकिन आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनको नेक में पेन हो या स्टिफनेस या किसी और तरह का डिस्कम्फर्ट हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो नमस्ते, दिस इज वंदना गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग फिट टॉक। नेक पेन एक ऐसी समस्या है जो आजकल बहुत सारे लोगों को होती है, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, स्पेशली अगर आप डेस्क जॉब पर हैं तो आप बहुत लंबे समय के लिए आपकी चेयर पर बैठते हैं और लगातार अगर स्क्रीन के सामने देखते रहते हैं और कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, जिसकी वजह से भी नेक में पेन होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी नेक में पेन होने लग जाता है अगर वो ठीक तरीके से अपना पॉस्चर मेंटेन करके नहीं पढ़ते हैं, या फिर एक्सेस में फ़ोन का इस्तेमाल करने की वजह से भी नेक में पेन होता है। इसके साथ ही कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे कि अगर आप गलत पोजीशन में सो जाते हैं तो भी नेक में पेन होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऊँचा तकिया लगा कर सोते हैं, गलत तकिया लगा कर सोते हैं तो भी नेक में पेन हो सकता है। तो आज के इस योगा वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही सिंपल से योगा स्ट्रेचेस एंड कपल ऑफ योगा आसन, जो कि आपको नेक पेन से रिलीफ दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, फॉलो लाइक एंड सब्सक्राइब टू फिट टॉक सो दैट यू विल नेवर मिस ऑन आवर लेटेस्ट वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए, या फिर आप आपके चेयर पर बैठकर भी ये जो मैं स्ट्रेचेस आपको बताने वाली हूँ वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको हम ग्रीवा संचालन भी बोलते हैं, जो आपकी ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है, संचालन का मतलब मूवमेंट। तो कैसे करना है, सबसे पहले इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते वक्त जो आपकी चिन है वो आपको चेस्ट से लगानी है और इनहेल करते वक्त ऊपर की तरफ लेके जानी है। लेकिन मैं आज चाहती हूँ आपसे कि आप हाथों का भी इस्तेमाल करें, तो आपको अपने हाथ कमर के पीछे लेकर जाने हैं। मैं साइडवेज में आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह आपको हाथों को पकड़ना है। आप पीछे लेके जाइए, अपोजिट एल्बोज को पकड़ लीजिए। अगर आप अपोजिट एल्बोज तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप अपोजिट रिस्ट को पकड़ सकते हैं, जिससे कि आप एकदम अपराइट भी बैठेंगे और आपके जो शोल्डर्स हैं, क्योंकि नेक में प्रॉब्लम जब होता है, पेन जब होता है, तो शोल्डर्स भी थोड़े स्टिफ होने लगते हैं। सो मैं साइडवेज ही दिखा देती हूँ, दैट विल बी आई थिंक इजियर फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड बेटर। इनहेल डीपली, एज यू एक्सहेल थोड़ा सा नेक को पीछे की तरफ लेकर जाइए और चिन टक कीजिए, चिन को लेकर जाइए अपने चेस्ट की तरफ। इनहेल करते वक्त अपने चिन को ऊपर उठाना है सीलिंग की तरफ। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहीं तक जाना है। काफ़ी सारे लोग जब इस मूवमेंट को करते हैं तो नेक को इस तरह ड्रॉप कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, तो आप पीछे जाएंगे तो कंट्रोल मूवमेंट है, ड्रॉप नहीं करना है नेक को। सी द मूवमेंट आई ड्रॉप, मेरा आगे वाला है जो गर्दन का हिस्सा है वो भी इतना स्ट्रेच हो जाता है, सो दैट आई कांट इवन टॉक। तो हमें एक बार फिर से इस स्ट्रेच को देख लेना है। इनहेल, थोड़ा चिन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट की तरफ ले जाइए। इनहेल करते हुए रेज योर चिन टुवर्ड्स द सीलिंग, एक्सहेल कम टू द सेंटर। तो इस तरह से आपको करना है 5 से 10 बार मूवमेंट, और हर मूवमेंट के साथ में आपको ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करके रखना है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट ग्रीवा संचालन। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, जो आपकी चिन है उसे साइड टू साइड लेकर जाना है। सो इनहेल डीपली, एज यू एक्सहेल टेक योर चिन टुवर्ड्स द राइट शोल्डर एज मच एज यू कैन टेक। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए टू द लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर में। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, जो पॉस्चर करेक्शन हम करते हैं उसमें डे टू डे लाइफ में भी हमारी हैबिट बन जाती है कि हम अपनी चिन को थोड़ा आगे रखना सीख जाते हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो कोई भी जो भी ग्रीवा संचालन हम कर रहे हैं, हमेशा चिन को हल्का सा पीछे ले जाइए। तो जो राइट लेफ्ट भी किया है उसमें भी आपको चिन को हल्का सा पीछे तरफ ले जाना है, एंड देन टू द राइट जितना ले जा सकते हैं। अगर आपको बहुत पेन महसूस हो रहा है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, एंड देन टू द लेफ्ट, देन द सेंटर, रिलीज।
सो इस तरह से आपको साइड टू साइड लेकर जाना है अपने नेक को, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो एक और मूवमेंट है उसमें हम हाथों का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको करना क्या है, जो आपका हेड है, जो राइट ईयर है बेसिकली, वो आपको राइट शोल्डर तक लेकर ड्रॉप करना है, पूरा नहीं आपका टच होगा। मेक श्योर कि आप अपने शोल्डर को श्रग नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए। इनहेल, इसमें हम हाथों का भी इस्तेमाल करेंगे, तो पहले हम ड्रॉप करेंगे राइट की साइड, इसलिए लेफ्ट हाथ को हम बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ रखेंगे और एक्सहेल करते हुए आपका सर ड्रॉप करेंगे टुवर्ड्स दी राइट साइड, और राइट हाथ की मदद से थोड़ा सा और खींचना नहीं है, एकदम जेंटल पुल है, धीरे से आपको पुल करना है आपका जो राइट ईयर है वो राइट शोल्डर की तरफ। आपको बहुत अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होगा लेफ्ट साइड पर आपकी नेक में। यहाँ से इनहेल करते हुए सेंटर आएंगे और इसी तरह दूसरी तरफ भी करेंगे। इस बार जो आपका राइट आर्म है वो सीधा करेंगे, ड्रॉप योर हेड एंड विद द हेल्प ऑफ योर लेफ्ट हैंड जस्ट अ लिटिल बिट मोर पुल टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, रिलैक्स योर हैंड्स ऑल्सो। इसके बाद जो दूसरा इसका नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो भी हम करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे करना है वो मूवमेंट। पहले चिन को थोड़ा सा अंदर किया, फिर अपना हेड को थोड़ा सा हमने घुमाया, डायगनल रखना है, पूरा नहीं घुमाना है, हल्का सा डायगनल घुमाने के बाद जस्ट ड्रॉप योर हेड, टिल्ट योर हेड टुवर्ड्स दी राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट पॉकेट। इमेजिन कीजिए पॉकेट है, मेरे पास नहीं है अभी, आपको यहाँ देखना है और जो आपका लेफ्ट हाथ है उसे पीछे लेकर जाना है और राइट हाथ से उस हाथ की, लेफ्ट हाथ की कलाई को पकड़ के हल्का सा खींचना है। इनहेल करते हुए आपका हेड ऊपर उठाएंगे एंड सेंटर में आएंगे। इसी तरह हम अपोजिट साइड भी करेंगे, तो मैं आपको घूमकर दिखा देती हूँ कि कैसे करना है ये लेफ्ट साइड में, अगर आपको हाथ कैसे पकड़ना है समझने के लिए। सबसे पहले हल्का सा चिन टक अंदर की तरफ, मतलब चिन टक नॉट टुवर्ड द चेस्ट, जस्ट अ लिटिल पीछे की तरफ चिन को लेकर जाना है एंड देन थोड़ा सर को घुमाइए, ड्रॉप योर हेड, लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट पॉकेट, राइट हाथ को लेके जाइए पीछे की तरफ और लेफ्ट हाथ से राइट रिस्ट को पकड़ लीजिए। आप चाहें तो सॉफ्ट फिस्ट भी बना सकते हैं राइट हाथ से। दिस इज वेरी गुड फॉर द बैक ऑफ योर नेक। इनहेल करते हुए नेक को उठाएंगे, सेंटर में आएंगे एंड रिलैक्स। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जितने भी मैं आपको ये ग्रीवा संचालन के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन दिखा रही हूँ, ये सभी आपको 10 बार करने हैं, 5 से 10 बार एटलीस्ट, टाइम कम है तो 5 बार कर लीजिए, बट 10 बार करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको जो आपका राइट हाथ है उसको आपके राइट टेम्पल एरिया पर रखना है और टेम्पल एरिया को प्रेस करना है। आपके सर से लगातार आपके पाम को प्रेस कीजिए और पाम से लगातार आपके सर को प्रेस कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इट्स अ जेंटल प्रेस और पुश, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। और जो आपका लेफ्ट हाथ है वो आपके घुटने पर रिलैक्स करके रख लीजिए एकदम। इसी तरह से रिलीज, देन अगेन, सो जस्ट रिलीज पुश, रिलीज पुश, डू इट फॉर 5 to 10 टाइम्स लाइक दिस। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड भी करेंगे, सो लेफ्ट टेम्पल एरिया पर आपका लेफ्ट पाम रखिए, प्रेस कीजिए आपके सर की तरफ और सर से हाथ की तरफ, रिलीज प्रेस, रिलीज प्रेस, रिलीज अगेन। इस तरह से आपको 10 बार करना है। आफ्टर दिस आपका जो राइट पाम है, लेफ्ट जो भी हाथ आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, आपके फॉरहेड पर रखना है और पीछे की तरफ प्रेस करना है और फॉरहेड से आगे की तरफ आपके हाथ की तरफ प्रेस करना है। उंगलियों की डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ या अपने क्राउन चक्र की तरफ कैसे भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। रिलीज प्रेस, रिलीज प्रेस, रिलीज प्रेस, रिलीज। इसी तरह आपको ये मूवमेंट की 10 बार करना है एंड देन रिलैक्स। इंटरलेस करिए आपकी फिंगर्स को और आपके सर के पीछे वाले हिस्से पर रखिए, राइट बिहाइंड योर हेड। आपकी कोहनियों को बाल की तरफ खोलकर रखिए एंड देन प्रेस योर हेड ऑन योर पाम्स और ऑन योर फिंगर्स एंड रिलैक्स अगेन। रिलैक्स, हाथ से आपके सर को आगे की तरफ
प्रेस करना है, सर से पीछे की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से आपको 10 बार ये प्रैक्टिस करनी है। जितने भी ग्रीवा संचालन हमने बताए हैं वो आपको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए रिलीज कर दीजिए, टीवी देखते वक्त थोड़ा छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, डेस्क जॉब पर अगर आप हैं तो काम से थोड़ा 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इतना करने में, आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और कभी भी इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जिस समय आप सोने जाने वाले हैं उस वक्त भी आप ग्रीवा संचालन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसका नेक्स्ट एक और, जिसका नाम है नेक रोटेशन। वो हमारे ग्रीवा संचालन का लास्ट स्ट्रेच है। तो ग्रीवा संचालन करने के लिए आपको इनहेल डीपली, एक्सहेल करते हुए आपके चिन को चेस्ट की तरफ ले आइए और धीरे धीरे क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना शुरू कीजिए, राइट फिर पीछे की तरफ, देन लेफ्ट एंड द सेंटर। इसी तरह से लेफ्ट की तरफ से भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कीजिए गर्दन को। कम टू द सेंटर एंड रेज योर हेड अप। तो ये भी आपको 10 बार या 5 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर आसन। तो पहले आसन का नाम है गौमुख आसना हैंड्स। तो हम गौमुख आसन में जो लेग्स की पोजीशन लेते हैं वो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हैंड्स की पोजीशन ले रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इनहेल करते हुए आपका राइट आर्म जो है उसे सीधा उठाएंगे और एल्बो से बेंड कीजिए। इसी तरह जो आपका लेफ्ट हाथ है उसे आपके कमर के पीछे लेकर जाएंगे। अब आपका जो सर है उससे लगातार आपके जो ट्राइसेप है, जो हाथ है, उस पर प्रेस कीजिए और हाथ से सर को आगे की तरफ प्रेस कीजिए। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर शोल्डर्स एज वेल। तो नेक स्टिफनेस के साथ शोल्डर स्टिफनेस आती ही है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आसन फॉर नेक एज वेल एज योर शोल्डर्स। रिलीज कीजिए। इसी तरह से अब हम लेफ्ट हैंड से भी करेंगे। सो इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाइए, एल्बो से बेंड कीजिए, राइट आर्म को भी अपनी कमर के पीछे से ले जाते हुए, अगर आप दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलेस कर सकते हैं दैट्स फाइन, अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो आप किसी तरह का स्ट्रैप, रोप, टॉवल, हैंकरचीफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और उसके दोनों सिरों को पकड़ के खींच सकते हैं। और लगातार सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने सर से आपके एल्बो जो है, जो आपका हाथ है, उसको पीछे की तरफ प्रेस कर रहे हैं एंड देन स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। गौमुख आसन के बाद हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद आपके नीज के बीच में कंफर्टेबली जो गैप आप मेंटेन कर सकते हैं उतना गैप ले लेंगे। सो आइडियली शुड बी योर मैट विड्थ, क्योंकि मेरा मैट मैंने वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल बिछा रखा है इसलिए यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट जितना आपके मैट का गैप हो उतना आप गैप मेंटेन कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें मैं आपको ब्लॉक का इस्तेमाल करना भी बताऊंगी कि कैसे कर लेना है ब्लॉक का इस्तेमाल। इनहेल करते हुए आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, एक्सहेल करते हुए पहले आपके राइट एल्बो को बेंड कीजिए और लेफ्ट शोल्डर को पकड़िए। इसी तरह से लेफ्ट एल्बो को बेंड करते हुए राइट शोल्डर को पकड़िए और यहाँ पर आपको आपके सर से धीरे धीरे पीछे की तरफ आपके हाथों पर प्रेशर डालना है, बहुत जेंटल प्रेशर है। और यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद एक्सहेल करते हुए आपको सामने की तरफ झुकना है, पॉसिबल जितना भी पॉसिबल है। अगर आप पूरा जा सकते हैं देन इट्स फाइन, अगर आप नहीं भी जा सकते हैं तो आपको ये योगा ब्लॉक या फिर आप कोई कुशन, टॉवल को, ब्लैंकेट को, आपके यहाँ कोई चादर है उसको, किसी को भी फोल्ड करके अपने सर के नीचे आराम के लिए रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप की लिमिट क्या है नीचे जाने की। अगर आप चाहें तो डबल ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं एंड देन गो डाउन एंड रेस्ट योर हेड ऑन दिस योगा ब्लॉक। दिस इज़ रियली नाइस। और जब आपको गर्दन में दर्द होगा यू विल फील रियली गुड आफ्टर डूइंग सच आसन। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वन बाय वन आपके हाथों को रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स। और उसके बाद आपके जो दोनों नीज हैं उनको नज़दीक ले आएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस आसन के बाद हम एक और आसन करेंगे जो है पार्श्व बालासन, जिसको हम थ्रेड द निडल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो आसन कैसे करना है।
ऑलरेडी हम वज्रासन में हैं, इसके बाद हमें अपने ऑल फोर्स पर जाना है पार्श्वालासन यानी थ्रेड द निडल करने के लिए। इट्स ऑलवेज नाइस कि आप वर्टिकल मैट को यूज़ करें इस आसन को यूज करने के लिए। अपने दोनों नीज के बीच में हिप विड्थ का गैप मेंटेन करेंगे, जिस तरह हम कैट एंड काउ की पोजीशन जो होती है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद एक्सहेल करते हुए आपके जो हाथ हैं उन्हें सामने की तरफ आपको लेकर जाना है और आपके चेस्ट को धीरे धीरे मैट की तरफ लेकर आना है। धीरे से आपका चेस्ट ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हाथ, मैं वैसे आप राइट से स्टार्ट कर सकते हैं बट यू कैन सी व्हेन आई विल डू विद माय लेफ्ट हैंड, हेंस आई एम लिफ्टिंग माय लेफ्ट आर्म अप विद इनहेलेशन एंड एज आई एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए जो आपके राइट आर्म के बीच से हॉलो स्पेस है वहां से हाथ को लेकर आना है और आपका लेफ्ट चीक एज यू कैन सी उसको मैट पर रिलैक्स करना है। एंड जस्ट स्टे हियर, इफ यू वांट टू जस्ट इंटेंसिफाई योर आसन यू कैन रेज योर राइट आर्म ऑल्सो अप और उसको आपके रैप अराउंड कर सकते हैं आपके कमर के पीछे से, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट सिंस हम लोग नेक के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ भी रख सकते हैं आपके हाथ को। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करते हैं, तो धीरे से इनहेल करते हुए आपका लेफ्ट आर्म लेकर आएंगे और सामने मैट पर रख देंगे और इसी तरह राइट आर्म को ऊपर करेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट आर्म के बीच से जो हॉलो स्पेस है उससे लेकर जाएंगे और आपका राइट चीक जो है उसको मैट पर रिलैक्स करेंगे। स्टे हियर, इनहेल एंड ब्रिंग बोथ द हैंड्स टुगेदर जस्ट फॉर वन मोर ब्रेथ हियर एंड स्लोली फ्रॉम हियर इटसेल्फ आपके जो हिप है उसको धीरे से आपके नीज की आपके हील्स की तरफ ले जाएंगे एक्सटेंडेड चाइल्ड पोस्चर में एंड जस्ट स्टे हियर एंड ब्रीथ। एंड धीरे से लिफ्ट योर चेस्ट अप एंड सिट टॉल, हमारा लास्ट आसन करने वाले हैं उसके लिए आपके पीठ के बल मैट पर लेट जाइए। हम करेंगे सुप्त नटराज आसन। मैट पर लेटने के बाद आपकी पीठ के बल सुप्त नटराज आसन करने के लिए आप पहले आपका अगेन आई एम लिफ्टिंग माय लेफ्ट लेग फर्स्ट, यू शुड स्टार्ट विद योर राइट, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, बेंड योर नी और धीरे से जो आपका लेफ्ट लेग है उसको ड्रॉप करेंगे टुवर्ड्स दी राइट साइड ऑफ द बॉडी। दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखेंगे एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट फिंगर टिप्स। अगर आपका पैर जमीन तक पूरा नहीं पहुंच पाया है दैट्स फाइन, आप पैर के नीचे कुशन ब्लॉक या किसी भी तरह का सपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हाथ की सहायता से धीरे से अपनी नी को जमीन तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। इनहेल करते हुए लेग को ऊपर उठाएंगे फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड एक्सहेल लेट गो। इसी तरह से राइट लेग को भी सीधा ऊपर उठाएंगे, नी से बेंड करेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे और आपकी जो गर्दन है उसको राइट साइड की तरफ मोड़ेंगे। मेक श्योर कि आपका कंधा ऊपर ना उठे, दोनों कंधे आपके मैट पर ही रहेंगे। अगर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था नी जमीन तक नहीं पहुंच पाया है तो आप किसी भी तरह का कुशन या फिर और कोई सपोर्ट यूज कर सकते हैं एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट फिंगर टिप्स, जितना देख सकते हैं। हो सकता है अगर आपको ऑलरेडी नेक में पेन है तो आप इतना गर्दन को ना मोड़ पाए, इतना भी ठीक है, बट आपको थोड़ा सा गर्दन को मोड़ना है क्योंकि इसी तरह से हम जो स्टिफनेस है या फिर नेक पेन हो रहा है उसको रिलीज करने में रिलीफ पाने में हमें इस आसन से हेल्प मिलती है। इनहेल करते हुए आपका पैर वापस ले आइए और एक्सहेल करते हुए रिलीज, दोनों हाथों को भी बॉडी के नज़दीक में ले आइए और यहाँ पर आप एक ब्रेथ के लिए वन ब्रेथ के लिए शवासन में रुक सकते हैं और धीरे से जब भी उठना है तो करवट लेकर उठना है, एक तरफ करवट लेकर आप किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए।
आजकल की बिजी लाइफ में नेक पेन होना या नेक का स्टिफ हो जाना बहुत ही आम बात है, लेकिन अब आपको पता है कि आपको कौन से योगा स्ट्रेचेज और कौन से योगा आसन करने हैं जिससे कि आपको इंस्टेंटली नेक पेन या नेक का स्टिफनेस में रिलीफ मिल जाए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिट तक। नमस्ते।